सर्दियां शुरू होते ही कच्ची हल्दी मिलना शुरू हो जाती है, जिसके कि कई तरह से उसकी सब्जी बनाई जाती है, कई तरह से उसका अचार डाला जाता है। तो आज हम हल्दी का अचार डालेंगे और जो हल्दी है उसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज हल्दी खानी चाहिए। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और शरीर को भी बहुत फायदा पहुंचता है, इम्यूनिटी सही रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, कुक वेगन विद रेखा में आपका स्वागत है। आज हम कच्ची हल्दी का अचार बनाना शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम हल्दी है जिसको अच्छे से छील कर धोकर और बारीक काट लिया है। उसके बाद में हमने नमक मिर्च लिया है, मिर्च ली है 2 चम्मच और 1.5 चम्मच नमक है, 5 से 6 हरी मिर्च है, 1 नींबू का रस निकाल लिया है, 1 चम्मच राई सौंफ और 1/2 चम्मच मेथी दाना लिया है हमने। इसके बाद में जो हमारे सूखे मसाले हैं राई सौंफ और मेथी दाना, उनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे उनको एक पैन सिम आंच पर रख के, और इसमें तीनों सामग्री डाल देंगे, ये तीनों सूखे मसाले, और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। लगभग 2 मिनट तक आप इनको रोस्ट कीजिए और फिर इनको हल्का दर्द ठंडा होने के बाद में हल्का दरदरा करेंगे हम। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने लगभग 3 छोटे चम्मच या बड़ा, अगर आप सर्विंग स्पून ले रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है, और उसमें इस हल्दी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि इस हल्दी को हमने धोकर बारीक काटा था, तो इसमें थोड़ा सा जो पानी का जो भी अंश है वो भी खत्म हो जाएगा और ये अच्छे से थोड़ी सी पक भी जाएगी, तो ये जो अचार है वो आपका जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। ये 5 से 6 मिनट तक इनको मैंने इस तेल में रखा है, तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये 5 से 6 मिनट तक इसको सरसों के तेल में फ्राई होने के बाद में जब ये अच्छे से पक जाए तो इसमें जो हरी मिर्च थी वो भी हम डाल देंगे, और इसको अब 1 से 2 मिनट रखना है ताकि ये हरी मिर्च भी थोड़ा सा पक जाए। ये अचार हम सरसों के तेल में बना रहे हैं तो इसकी तासीर और भी ज्यादा गर्म हो गई, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ही रोज खाएं, अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो सही नहीं रहेगा। दवाई की तरह अगर आप यूज करना चाहते हैं इसको, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डेली इसको खाने के साथ में लें। हरी मिर्च भी हमारी थोड़ी सी पक गई है और अब हमारे बचे हुए मसाले डाल देंगे हम। जो सूखे मसाले थे उनको थोड़ा सा मैंने कूट कर दरदरा कर लिया है, वो डाल देंगे हम, और जो हमारे नमक मिर्च हमने निकाल कर रख रखे हैं वो भी डाल देंगे साथ में हम। ये एक तरह से इंस्टेंट अचार बन रहा है, आप इसको तुरंत भी खा सकते हैं और 1 से 2 दिन रखने के बाद भी खा सकते हैं। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे हम, और 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद में हम गैस ऑफ कर देंगे और ये हमारा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। जो हमारा नींबू का रस है वो हम गैस ऑफ करने के बाद में इसमें डालेंगे। लगभग 1 मिनट तक चलाने के बाद में गैस बंद कर दिया है, और अब जो नींबू का रस था वो डालकर अच्छी तरह से मिलाकर हमारा हल्दी का अचार तैयार हो जाएगा। अगर आप इस अचार को ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो आप जिस भी कंटेनर में इसको भर के रखें, तो थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके ठंडा करके फिर उसके ऊपर डाल दें, और इस अचार के ऊपर थोड़ा सा तेल रहेगा तो ये काफी दिन तक अचार आपके चलता रहेगा, नहीं तो लगभग 15 दिन में आप इसको खाकर खत्म कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट हल्दी का अचार बनकर तैयार हो गया है हमारा। बहुत ही गुणकारी है ये, और थोड़ा थोड़ा हमें खाने के साथ में रोज खाना चाहिए। एकदम गुणकारी और टेस्टी हल्दी का अचार। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर फॉलो करके इस अचार को बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये अचार कैसा बना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करें।